नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आर्यवाल के बारे में। तो हम लोग उसकी ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे कि उसकी ड्राइंग किस तरीके से पढ़ी जाती है, किस तरीके से हर चीज़ का मतलब निकाला जाता है, कहाँ पे कौन सा पैनल लगने वाला है, कैसे हर चीज़ डिसाइड होती है, लेवलिंग पैड क्या होता है, जियो ग्रिड कैसे लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है आपके सामने कि एक आर्यवाल है, तो ये एक साइड की वाले, यहाँ पे भी W1 LHS की डिटेल दी गई है। तो W1 LHS क्या होता है, तो सबसे पहले हमको बेसिक्स पे चलना होगा कि ये जो ये सेक्शंस दिखाए गए हैं, ये एलिवेशन जो दिखाए गए हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। तो इससे पहले वाली ड्राइंग में चलते हैं और देखते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपना रोड है और ये इसकी सेंटर लाइन है, मतलब ये हमारी मीडियन है और इसकी सेंटर लाइन अपनी रोड की ये यहाँ पे जा रही है। उसके बाद में यहाँ पे एक आर्यवाल दी गई है, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि इस चैनल से ये स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा फिर ये इस साइड में एक आर्यवाल है और फिर ये दो आर्यवाल इस साइड में है और इनका भी एक एंडिंग चैनल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक पाइप कलवर्ट की डिटेल दी गई है, ये यहाँ पे एक चैनल है जहाँ पे पाइप कलवर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके अलावा एक यहाँ पे पाइप कलवर्ट है, उसके अलावा यहाँ पे एक VUP है जो कि 15 मीटर स्पान का है, उसके अलावा एक यहाँ पे पाइप कलवर्ट है और यहाँ पे बाकी रोड की विड्थ दी गई है, ठीक है, आउटर टू आउटर विड्थ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ये तो होगी बेसिक ड्राइंग। इससे हमको पता चलता है कि हम किस ड्राइंग में देख रहे हैं। जैसे हम लोग W1 LHS की डिटेल देख रहे हैं, तो हम लोग इस वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी ड्राइंग में स्टार्टिंग चैनल्स भी दिया हुआ रहेगा कि कहाँ से हमारी आर्यवाल स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ये दो एंड्स मान सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आर्यवाल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर में एंड हो रही है, सेम इधर स्टार्ट हो रही है और इधर में एंड हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग इधर में देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर में एंड हो रही है, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर में एंड हो रही है, ठीक है। ये दो डायरेक्शंस दी गई है। इस साइड में कोई टाउन या कोई गांव जो भी है, इस साइड में जो भी टाउन है उसका डायरेक्शन दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और डिटेल भी दी गई है, जैसे कि क्रैश बैरियर यहाँ पे दिया गया है कि क्रैश बैरियर के डायमेंशंस क्या क्या है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ डिटेल बता रखी है। तो यहाँ पे प्रीकास्ट यहाँ पे क्रैश बैरियर है, ये पूरा जो एरिया 1 मीटर तक का है वो प्रीकास्ट एरिया है और बाकी का जो ये एरिया है वो साइड पे कास्ट किया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ रेनफोर्समेंट छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वो बाद में उसको कास्ट करना रहता है, फिर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनता है ये। उसके अलावा यहाँ पे अपने पूरे क्रैश बैरियर के डायमेंशंस दिए गए हैं, उसके अलावा ये यहाँ पे पाइप बता रखा है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे में क्या डायमेंशन होने वाले हैं, ये सब प्रीकास्ट में यूज होने वाले हैं, इसलिए हमको कुछ यूज होने वाले नहीं है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में नहीं देखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे एक स्लिप जॉइंट की डिटेल दी गई है। तो ये यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि यहाँ पे एक आर्यवाल पैनल लगा हुआ है, इधर भी एक आर्यवाल पैनल लगा हुआ है, ये आर्यवाल का फ्रंट फेस है और ये अर्थ वाला फेस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, जैसे कि यहाँ पे फिलर बोर्ड लगाया हुआ है 100 mm थिक, जो उसका विड्थ का एक मतलब 100 mm चौड़ा यहाँ पे एक फिलर बोर्ड लगाया गया है, तो और ये 25 mm का एक स्लिप जॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पे नॉन वुवन जियो टेक्सटाइल लगाई गई है, मतलब आप लोग देखते हैं व्हाइट कलर का कपड़ा रहता है जो यहाँ पे चिपकाया जाता है, तो वो उसको हम लोग नॉन वुवन जियो टेक्सटाइल बोलते हैं, वो 40 mm का यहाँ पे दिखा रखा है। उसके अलावा यहाँ पे एक ये ब्लॉक प्लेस कर रखा है 150 by 150 by 150, मतलब ये पूरा एक क्यूबॉइड हो गया, उस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस किया हुआ है, ठीक है, ये कॉन्क्रीट का ब्लॉक होता है एक्चुअली। तो ये स्लिप जॉइंट की डिटेल भी हम लोग देखेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि ये स्लिप जॉइंट कहाँ पे यूज हो रखा है। इसका हम लोगों को इलेवेशन देखना पड़ेगा कि इस स्लिप जॉइंट को कहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, तब हमको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग ड्रॉइंग में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पहली ड्रॉइंग यहाँ पे समझ ली, ठीक है, इससे पहले एक और है, उसका भी थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं कि क्या उसका जो है हम लोग देखेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ डिजाइन सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिजाइन सेक्शन हाइट 12 मीटर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो आर्यवाल की हाइट है वो 12 मीटर है, तो 12 मीटर की जो हाइट है उस हिसाब से यहाँ पे
सेक्शन बनाया हुआ है, सेम वैसे यहाँ पे 11.6 मीटर के हिसाब से यहाँ पे सेक्शन को डिजाइन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके यहाँ तक मार्किंग की हुई है, ठीक है। तो मतलब ये 12 मीटर के लिए डिजाइन है, तो इसका मतलब क्या कि ये पूरे 0.8 मीटर के यहाँ पे लेयर्स बिछाए गए हैं, ठीक है। मतलब इतने हम लोगों को लेयर्स बिछाने हैं। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जियोग्रेड GG80 लिख रखा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये कोड होता है जियोग्रिड का, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के जियोग्रिड्स होते हैं जो अलग अलग लेयर में हम लोगों को बिछाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के हम लोग जियोग्रिड्स यूज कर सकते हैं, एक होता है जिसको हम लोग जियोग्रिड बोलते हैं और दूसरा होता है जिसको हम लोग जियो स्ट्रैप बोलते हैं, मतलब वो बेल्ट होते हैं जो, जैसे कि अपना ये आरीवाल है और ये उसके जो हुक्स हैं उनमें से बेल्ट्स निकाले जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं बेल्ट्स, ठीक है। और इस हिसाब से बेल्ट्स लगाए जाते हैं, हर एक हुक में ऐसे बेल्ट्स लगाए जाते हैं, तो उसको हम लोग जियो स्ट्रैप्स बोलते हैं और उसको हम लोग पैरावेव स्ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पैरावेव स्ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक मेश टाइप में रहता है जियोग्रिड, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी जगह क्या किया जाता है कि इसको ऐसे ही बिछा दिया जाता है, तो वो किस केस में किया जाता है, जब अपना वहां पे एलन ब्लॉक रहता है। एलन ब्लॉक देखे ना आपने, एलन ब्लॉक वाली आरीवाल देखी होगी आपने, कि एलन ब्लॉक वाली आरीवाल किस तरीके से होती है, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उनको लगाया जाता है इस तरीके से, इस तरीके से आरीवाल बनती है वो पूरी, छोटे छोटे जैसे कि अपनी ब्रिक्स होती है उस तरीके से वो पूरी आरीवाल चलती है और नीचे तक जाती है, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पे जियोग्रिड को ले किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से ले किया जाता है यहाँ पे, ये जियोग्रिड होता है। तो वो पूरा कंटिन्यूस चलता है, तो उसमें एलन ब्लॉक टाइप में उसको यूज किया जाता है, और आरीवाल जो हमारी पैनल्स होती है उसमें लगभग पैरावेव स्ट्रैप्स भी यूज किए जाते हैं। उसके अलावा एक जो अपने जो ये जियोग्रिड होती है इसको कट करके भी यूज किया जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब उसको थिकनेस में कट कर लिया जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है, जैसे कि ये अपनी हो गई, ये इस तरीके से होती है पूरी पूरी लंबी, जैसे कि ये स्ट्रेप बिछाए गए हैं तो यहाँ पे बिछा दी जाती है ऐसे करके, ठीक है। उसके हुक्स भी अलग होते हैं, वो हुक्स थोड़े चौड़े होते हैं, उसमें वो पूरा आ जाता है, जियोग्रिड अपना आ जाता है पूरा, और इस तरीके से उसको लगाया जाता है, हर एक पैनल के हुक में इस तरीके से जियोग्रिड्स बिछा दिए जाते हैं। तो ये तीन टाइप से मैंने जियोग्रिड अभी तक देखे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके अलावा क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, लेकिन अब तक जो मैंने मेरे करियर में देखे हैं वो मैंने इतने ही देखे हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इनकी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे देखिए हर एक की लेंथ दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ये इस लेयर में हम लोगों को 8.6 मीटर का हम लोगों को लेंथ रखना है। उसके अलावा जो मतलब जो अपनी लेंथ रहेगी यहाँ आरीवाल से आपको कितनी दूरी तक लेके जाना है उस लेंथ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो 8.6 मीटर लिखी गई है, तो हर एक लेयर के हिसाब से यहाँ पे लेंथ यहाँ पे दी हुई है कि आपको किस लेंथ में यहाँ पे ऊपर तक लेके जाना है। तो हर एक लेंथ यहाँ पे मेंशन की हुई है अलग अलग लेयर में अलग अलग सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है, अब मैं थोड़ा जूम इन करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कितने सेक्शंस हैं एक्चुअली, ठीक है। अब मैं ड्रॉइंग भी अटैच कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। देखिए इतने सेक्शंस हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1.2 मीटर का यहाँ पे हाइट का सेक्शन दिया हुआ है, तो 1.2 मीटर में यहाँ पे दो लेयर्स दी गई है, ठीक है, ये दो लेयर्स यहाँ पे दी गई है। फिर ये यहाँ पे 1.6 मीटर का हो गया, यहाँ पे 2 मीटर का हो गया, ये 2.4 मीटर का हो गया, इस तरीके से ये पूरी यहाँ पे डिजाइन सेक्शन की यहाँ पे ड्रॉइंग पूरी दी हुई है, ठीक है। अब ये अगर समझ में आ गया है आपको तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे जो अपना सिस्मिक जोन होता है किस सिस्मिक जोन के हिसाब से यहाँ पे इसकी डिजाइन की गई है, तो यहाँ पे सिस्मिक जोन 3 दिया हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे डिजाइन की गई है। सॉइल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई है कि सॉइल की प्रॉपर्टी क्या क्या है यहाँ पे, उन सब की यहाँ पे डिटेल दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे TLP लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो TLP का मतलब क्या होता है, टॉप अप लेवलिंग पैड। अब ये लेवलिंग पैड क्या होता है ये अभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। उसके अलावा यहाँ पे ये प्लीज एक्सकेवेट 0.5 मोर इन एडिशन टू द लेंथ ऑफ द जियोग्रिड, ठीक है, आपकी जियोग्रिड कितनी जाने वाली है उससे आपको
500 mm और ज्यादा एक्सक्यूशन करना है। अगर आपका केस एक्सक्यूशन का है तो नहीं है, तो आप वैसे भी मिट्टी का फिलिंग करते ही हैं, मतलब जैसे कि आरी वाला यहाँ तक जियोग्रिड आ रही है तो यहाँ से आपको 0.5 मीटर यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये होता है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ। तो आप लोगों ने 3 ड्राइंग्स यहाँ पे देख ली है, एक ये देख ली, एक ये देख ली, और अब आते हैं इस पे। इस पे देखते हैं, अब इसको समझते हैं किस तरीके से दी हुई है। तो अब यहाँ पे आप लोग जूम इन कर लीजिए, ये W1 LHS की, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वाली में, W1 LHS ये वाली वाल है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से इसकी डिटेल दी गई है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमको चेक करना है कि यहाँ पे शुरू कहाँ से हो रही है, मतलब ये यहाँ पे चेनेज क्या है। हमको पता ही नहीं चलेगा भाई कि चेनेज क्या है, तो हम लोग उसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चेनेज वो दिया हुआ है 208 प्लस 984.775, तो ये अपना चेनेज है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्चुअली आरीवाल। तो पिछले वाली ड्रॉइंग में देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाएगी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है आरीवाल, ठीक है, और ये इधर में जाके एंड होगी। तो इसकी सारी डिटेल हम लोगों को देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पे हर डिटेल दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनके जो शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, उनके यहाँ पे पूरे नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि कहीं पे आरएल लिखा हुआ है तो उसका रेफरेंस लेवल नाम होगा, एफआरएल लिखा है तो फिनिश्ड रोल लेवल बोलते हैं इसको, फॉर्मेशन लेवल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ लोग इसको फाइनल रोल लेवल बोल देते हैं, ठीक है, अपने अपने टर्म्स है सबके। तो यहाँ पे ये SRL का मतलब सर्विस रोल लेवल लिखा है, यहाँ TLP का मतलब है, मैंने आपको बताया था अभी, टॉप अप लेवलिंग पैड बताया गया है, ठीक है। टॉप मतलब टॉप का अपना पैनल का टॉप है, उसका लेवल क्या है वो दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूरा देखिए, नीचे जब भी आरीवाल कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्क्रीट का यहाँ पे लेवलिंग पैड बनाया जाता है, ठीक है। जब तक लेवलिंग पैड नहीं होगा तब तक हम लोग कंस्ट्रक्शन कहाँ से चालू करेंगे, कुछ तो बेस होना चाहिए ना हमारा आरीवाल का कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए। तो ये बेस ये होता है, ठीक है, इसका एक लेवल होता है, इसका लेवल हम लोग टॉप लेवल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लेवल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों को ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो लेवल दिया है हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। आप चाहे तो टॉप लेवल भी चेक कर लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस भी चेक कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। आपको जो जैसा भी आपको उचित लगे, आपको देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या हो रही है, आपको पता करना है तो आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में, अब ये यहाँ पे एक लाइन जा रही है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे, आप लोग ये जो काली वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन। अब ये लाइन क्या है, तो ये हमारा सर्विस रोड है, ये हमारा सर्विस रोड का यहाँ पे टॉप लेवल है, ठीक है, सर्विस रोड का लेवल है। अब वो कहाँ पे, ये हम लोगों को सर्विस रोड की ड्रॉइंग में से पता चलेगा कि वो कहाँ पे दिया गया है। तो सर्विस रोड का लेवल जनरली आरीवाल की एज के पास ही दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पे ये पूरा लेवल दिया गया है सर्विस रोड का, ठीक है। और इससे कितना नीचे अपने को आना है तो वो भी हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं कि हमको सर्विस रोड के लेवल से इतना नीचे एक्सकर्शन करना है। वैसे भी सर्विस रोड बाद में बनता है, पहले नहीं बनता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर भी हम लोगों ने इसको देख लिया, डिटेल में दिया हुआ है तो हम लोगों ने देख लिया इसको, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के यहाँ पे पैनल्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ऊपर में सारे FRL, यहाँ पे जो HP FRL है, यहाँ पे रोड का HP FRL क्या है, इस जगह पे कितना है, इस जगह पे कितना है, वो सब दिया गया है। उसके अलावा अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको पैनल्स दिखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर एक साइड से आप लोग देखना चालू करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये BS2 है, ये FH4 है, ये F4 है, T4A है, उसके बीच में फिर ये FH4 है, उसके ऊपर FH4 आ गया, ठीक है, फिर F4 आ गया, T6A आ गया, ये T4 आ गया। तो ये सब डिज़ाइन किए हुए हैं एक्चुअली, यहाँ पे हाइट के हिसाब से ये फिक्स करके देखे गए हैं ताकि जो अपने कॉपिंग बिंग की जो गैप आए वो बिल्कुल मिनिमम आए, उस हिसाब से यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। तो ये सब यहाँ पे जो ये कंपनी जो काम करती है, जो पूरा आरीवाल का काम देख रही है, तो वो यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन करती है ड्राइंग, या हो सकता है कि यहाँ पे पूरा अपना क्लाइंट भी डिज़ाइन करता है ड्राइंग और बाद में उसको अप्रूवल मिलता है, ठीक है। उस हिसाब से पूरा यहाँ पे हर एक पैनल अलग अलग यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे तो अभी
आप देख सकते हैं कि एक जैसे पैनल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में एक जैसे पैनल्स हैं, इस लाइन में एक जैसे पैनल्स हैं, इस लाइन में एक जैसे पैनल्स हैं, ठीक है, चलते जाएंगे आगे तक, जब तक कि कोई ऐसा पैनल नहीं आ जाए जो इस अपनी जो कोपिंग बीम है उसमें उसके अंदर ना आ जाए और हाइट भी उस हिसाब से हो कि हम लोग उस हिसाब से उसको फिट कर सकें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पैनल्स दिए गए हैं जैसे BHL21, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा ये FHL41 दिया गया है, ये यहाँ पे 1.78 दिया गया है, 1.78 दिया गया है, तो सबके इनके नाम है। ये नाम जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोग ये नहीं पता कर सकते कि हमको किस डायमेंशन में इसको बनाना है, ठीक है। तो ये अलग अलग पैनल्स है तो इसके हम लोगों को डायमेंशन भी पता होने चाहिए, तो वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। अब यहाँ पे और तो कोई डिटेल देखने लायक है नहीं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 103.696 मीटर दिया गया है, मतलब इतनी लेंथ तक यहाँ पे अपनी 6.8 मीटर की यहाँ पे डिज़ाइन हाइट है, वो हम लोगों को यूज़ करना है। तो जो हमने जो सबसे पहले वाला जो पेज देखा था जिसमें हम लोगों ने डिज़ाइन हाइट देखी थी, हर एक अलग अलग हाइट सेक्शन के हिसाब से अलग अलग जियो ग्रिड्स की लेंथ दी गई थी, तो उस हिसाब से हम लोगों को डिज़ाइन करना है, मतलब जियो ग्रिड को लगाना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों को अपना वर्क को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी कि जैसे कि T4A चल रहा था और ये T6A चल रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप T6D आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप से यहाँ पे अब चलने लग गया पूरा कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे T4F आ गया, अब नए टाइप के पैनल चालू हो गए, ठीक है, जैसे T6D आ गया। अब यहाँ पे इस लेवल पे पूरा कोपिंग पे जो फिट होने लायक यहाँ पे जो पैनल आ गया वो चालू कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये चलता चलता फिर यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जा रहा है, फिर आगे फिर नई हाइट पे, फिर यहाँ पे फिर नीचे हाइट आ गई है, तो इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस रोड का यहाँ पे लेवल भी शो किया हुआ है, ठीक है, और ये पूरा लेवलिंग पैड अभी तक तो सेम ही है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, फिर यही जो आरी वाले वो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस रोड का लेवल चल रहा है एज इट इज़, यहाँ पे इसका टॉप लेवल चल रहा है और उसी हिसाब से यहाँ पे आरीवाल के पैनल्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आरीवाल के पैनल्स यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चलते जाते हैं और अलग अलग यहाँ पे हाइट के हिसाब से, जैसे जैसे अपनी हाइट कम होती है उस हिसाब से नए नए पैनल्स आते जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे T4H चल रहा था, यहाँ तक चला T4H, ठीक है। अब यहाँ से फिर हाइट चेंज हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे T4H नहीं आ पा रहा था, तो यहाँ पे फिर T2A यहाँ पे चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये T2A जो ख़त्म हुआ, अब T2A अब यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, तो यहाँ पे T2B चालू हो गया, यहाँ पे T4D अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये चलते चलते पूरा यहाँ पे चलते जाता है। अब ये तो एक पेज की हो गई, अब दूसरे पेज पे वापस से कंटिन्यू हो रही है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन हाइट अलग अलग जगह पे मेंशन की हुई है। अब जैसे कि इस लेंथ तक यहाँ पे जो 18 मीटर की लेंथ है आगे वाली, वहाँ पे अपनी 6 मीटर की हाइट हम लोगों को लेना है और उसी हिसाब से हम लोगों को जियो ग्रिड जो है वो वहाँ पे लगाना है अपने आरीवाल पैनल के साथ में, उस डिज़ाइन के हिसाब से लगाना है। फिर आगे देखेंगे तो 4 मीटर की लेंथ में इतना डिज़ाइन हाइट हम लोगों को लगाना है। अब देखिए यहाँ पे लेवल चेंज हो गया, अब यहाँ पे लेवलिंग पैड आ गया और यहाँ से फिर लेवल चेंज हो गया, अब नया लेवल चलने लग गया, तो फिर यहाँ पे कुछ नए पैनल्स लगेंगे, तो नए पैनल्स के हिसाब से ऊपर वाले पैनल्स भी आएंगे, ठीक है। उस हिसाब से पूरा चलते चलते अपना ख़त्म होगा। आप देखिए फिर यहाँ से वापस ये लेवलिंग पैड का लेवल चेंज हो गया, फिर यहाँ पे एक पाइप कलर आ गया, लेकिन ये नीचे है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा चलते चलते और हम लोग पूरा एंड तक पहुँच जाएंगे आरीवाल के। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वापस से ये लेवलिंग पैड यहाँ पे ये एक स्टेप आ गया, वापस से डाउन होते गया, तो ये लेवलिंग पैड हम लोग क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये क्यों बनाए जाते हैं कि अपना अब नहीं बनाएंगे तो सर्विस रोड से ऊपर निकल जाएगा यही लेवल। अब देखिए सर्विस रोड अपना डाउन होते जा रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से अंदर भी एक्सकर्शन करके नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो हम लोग नीचे की तरफ नहीं जाएंगे तो हम लोग कैसे वहाँ पे आरीवाल को चालू कर पाएंगे। तो पूरा नीचे नीचे जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे वैसे वैसे अपना जो लेवलिंग पैड का लेवल है वो भी डाउन होते जाएगा पूरा, तो इस हिसाब से पूरा लेवलिंग पैड डाउन होते जाता है और लास्ट में जाके लास्ट पैनल तक आपको उसी हिसाब से चलता रहेगा। अब ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पाइप कलर आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अब ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, हमको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको देखना है उस और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पैनल्स लगेंगे वो भी हम लोगों को देखते जाना है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे
एक पाइप कलवर्ट आया है। अब देखिए जो मैं वहां पे जो 25 mm स्लिप ज्वाइंट की बात कर रहा था वो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे एक स्लिप ज्वाइंट दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी जो पाइप कलवर्ट के ऊपर है यहाँ पे पैनल्स अलग ही लगेंगे पूरे, ठीक है। तो ये अलग लगेंगे तो ये पूरा इधर में पैनल्स अलग हो जाएंगे, ये पूरे पैनल्स इधर में अलग हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे एक स्लिप ज्वाइंट बन जाएगा पूरा, यहाँ पे क्लियर ज्वाइंट बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है, उस चीज को हम लोग स्लिप ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि ये हमारी कॉन्क्रीट की लेंथ यहाँ पे बढ़ गई है, तो जब भी यहाँ पे एक्सपांशन होता है कॉन्क्रीट का तो यहाँ पे कुछ गैप हम लोगों को छोड़नी पड़ती है इस मूवमेंट को लेने के लिए, तो उसको स्लिप ज्वाइंट बोला जाता है, ठीक है। वहां पे एक फिलर बोर्ड भी हम लोगों ने देखा था, वहां पे एक फिलर बोर्ड भरा हुआ था वहां पे, ठीक है। तो वो फिलर बोर्ड जो अपना सेल्टेक्स बोर्ड रहता है उसका यूज किया जाता है वहां पे, उसको रखा जाता है, उस हिसाब से ये पूरा कंस्ट्रक्शन आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। अब वापस से ये लेवलिंग पर आगे कंटिन्यू करता है और फिर आगे की तरफ जाता है ये, और ऐसे करते करते पूरा अपना लास्ट वाला अपने को आरीवाल का लास्ट वाला हिस्सा हमको मिल जाता है। इसका चेनेज भी हम लोग देखेंगे तो 208 प्लस 450 इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को आरीवाल एंड हो जाता है, ठीक है। अब वापस देखिए आप लोग, ये जैसे देख सकते हैं आप लोग डिजाइन हाइट यहाँ पे अलग अलग लेंथ पे अलग अलग चेंज हो रही है। अब किस हिसाब से चेंज हो रही है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब इसमें थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज और, वैसे आप भी समझदार हैं समझ सकते हैं। जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, अब ये इस लाइन से लेके और जहां तक, अब ये कितने दिए गए 2.8 मीटर, तो जहां तक 2.8 मीटर का सेक्शन आ रहा है अपना, वहां तक हम लोगों को डिजाइन हाइट 2.8 मीटर का यहाँ पे डेटा हमको लेना है, ठीक है। अब जैसा कि मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाता हूं, अब ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ हाइट बढ़ गई है, यहाँ पे कम थी और यहाँ पे बढ़ गई है। तो देखिए हर जगह पे डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमारे केसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2.8 मीटर का है, इधर में 2 मीटर का ही किया था और उसके बाद में इधर 2.8 मीटर आ गया क्योंकि यहाँ पे हाइट बढ़ गई। फिर यहाँ पे ये वाला सेक्शन यहाँ पे जो 6 मीटर का बचा है बाकी का, ठीक है, वो 2.4 मीटर की डिजाइन हमारी डिजाइन हाइट आ गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ज्यादा बढ़ जाती है हाइट, तो वापस से 2.8 मीटर की हाइट हो जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो अपना लेवलिंग पेज जैसे जैसे चेंज होते जाता है और जहां पे हम लोगों को लेवल मिल रहा है अलग अलग डिजाइन के हिसाब से, हम लोग वापस आगे की तरफ चेंज करते जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा बना हुआ है ड्रॉइंग में, इसलिए हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से पूरी ड्रॉइंग हम लोगों ने रीड की। उसके अलावा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बॉटम में कुछ यहाँ पे आपके पैनल्स दिए गए हैं जिनको कट पैनल्स भी बोला जाता है, जो अपने स्टैंडर्ड पैनल होते हैं उनसे जो अलग तरह के जो पैनल होते हैं जो हम लोगों को स्पेशल केस में फिट किए जाते हैं, उन सारे पैनल्स को हम लोग कट पैनल्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो अपने शुरुआत से लेके और आखिरी तक जितने भी पैनल्स यूज हो गए हैं उनकी यहाँ पे पूरी डिटेल बताई गई है कि किस तरीके से आपका कट पैनल होगा और किस तरीके से आपकी उसकी डायमेंशन होगी। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक कट पैनल की यहाँ पे डायमेंशन दी गई है और वहाँ पे उसके हुक कहाँ पे उनकी डिटेल भी दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, हर एक कट पैनल का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है शुरू से लेके लास्ट तक का। यहाँ पे कुछ मैच लाइंस दिखाई गई है, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक लाइन दिखाई गई है, तो अब जो अपना यहाँ पे एक मैच लाइन दिखाई गई है मैच लाइन 7, तो ये यहाँ पे मैच लाइन 7 मतलब जो हम लोग पिछली बार यहाँ पे बात कर रहे थे वो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, यहाँ से चालू करना है देखना। अब अगला वाला यहाँ पे जो हम लोगों को ड्रॉइंग देखना चालू करना है वो यहाँ से चालू करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं तो वापस यहाँ पे W2RHS की डिटेल्स आ जाती है और सेम वही स्टोरी रिपीट होना चालू हो जाती है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे 208 प्लस 410 से स्टार्ट हुई और जहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है वहाँ का भी पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे लास्ट में जितने भी कट पैनल्स यहाँ पे यूज हुए हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो ऐसे करके पूरी 20 पेज की यहाँ पे ड्रॉइंग है, इसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी ड्रॉइंग रीड की जाती है और उससे कंक्लूजन निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और डिटेल भी दी गई है जो हम लोगों को देखनी पड़ेगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैरिज वे की लेंथ वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर में देखिए शाइनेस वगैरह सब कुछ दी गई है, मीडियम शाइनेस क्या होती है,
ये जो हमारी व्हाइट कलर की लाइन होती है वो उसके अंदर का एरिया पूरा शाइनेस कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिटेल दी गई है यहाँ पे। अब ये डिटेल ए दिखाई गई है, डिटेल ए हम लोगों को चेक करना है कहाँ पे दी गई है, जहाँ पे दी गई है वहाँ पे हम लोगों को चेक करना है। ये आरीवाल है, इसका थोड़ा सा स्लोप है, यहाँ पे स्लोप दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर 1% का स्लोप है तो 1% का, 1.5% का है तो 1.5% के हिसाब से अलग अलग केसेस में अलग अलग स्लोप हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ और डिटेल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपना ये सर्विस रोड लेवल है उससे कितना नीचे हम लोग को जाना है अपना आरीवाल चालू करना है, तो 0.6 मीटर यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। अगर 0.6 मीटर से मिनिमम नहीं हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट लेवलिंग पैड यहाँ पे चालू हो जाएगा अगला, ठीक है। लेवलिंग पैड भी कितने का दिया गया है, 350x150 mm का यहाँ पे लेवलिंग पैड यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज दिखाई गई है, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला अपना जियो ग्रिड लगेगा वो कितने डिस्टेंस पे लगेगा, अपने जो अपना ग्राउंड लेवल है वहां से कितने डिस्टेंस पे लगेगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 400 की स्पेसिंग पे यहाँ पे लगेगा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जितने भी जियो ग्रिड्स आएंगे वो यहाँ पे 800 की स्पेसिंग पे चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये देखिए कुछ और डिटेल भी दी गई है, जियो ग्रिड रेनफोर्समेंट लेंथ एज पर डिजाइन। तो जियो ग्रिड की जो रेनफोर्समेंट लेंथ है वो उस हिसाब से अपने को देखनी है। उसके अलावा ये रेनफोर्समेंट फील यहाँ पे एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट फील है यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, यहाँ पे जो अपना जियो ग्रिड बिछाया गया है उसके ऊपर कौन सा हम लोगों को मटेरियल डालना है, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये सारी डिटेल एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, जैसा कि हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, बहुत सारी ड्रॉइंग्स होती है इसके साथ में, तो उनमें अलग अलग तरीके से हम लोगों को कोरिलेट करके इन सबको देखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये पूरी ड्राइंग रीड करनी पड़ती है। तो ये ख़त्म हो गई अब ड्राइंग, अब आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छे से। कुछ भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट में पूछिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।